संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने आखिरकार इसराइल में अपना दूतावास खोलने को मंजूरी दे दी है। यूएई के मीडिया ने कहा कि इसराइल ने भी अबू धाबी में अपना दूतावास खोलने की घोषणा की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के दौरान अगस्त 2020 में इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात ने ऐतिहासिक द अब्राहम अकॉर्ड समझौते के तहत पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए सहमति जताई थी, लेकिन यूएई ने इसराइल में अपना दूतावास खोलने पर चुप्पी साध रखी थी। यूएई और इसराइल दोनों ही अमेरिका के करीबी सहयोगी हैं और मिडिल ईस्ट में शांति के प्रयासों के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह समझौता करवाया था। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद अब्राहम अकॉर्ड के भविष्य को लेकर भी चिंताएं जताई जा रही थी, लेकिन यूएई और इसराइल की ताज़ा घोषणा से अब्राहम अकॉर्ड के मजबूत बने रहने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। संयुक्त अरब अमीरात और इसराइल ने दशकों पुरानी दुश्मनी भुलाकर ऐतिहासिक समझौता किया था, जिसके तहत इसराइल फलस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में अपनी दावेदारी सीमित करने पर तैयार हो गया था और वहीं यूएई इसराइल से पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करने को राजी हो गया था। ऐसा करने वाला यूएई पहला खाड़ी देश बना। इसी के साथ ही यूएई खाड़ी क्षेत्र का पहला और तीसरा अरब देश बन गया था जिसके इसराइल के साथ सक्रिय राजनीतिक संबंध हो। इससे पहले इजिप्ट ने 1979 और जॉर्डन ने 1994 में इसराइल के साथ शांति समझौते किए थे। अरब मुस्लिम देश यरूशलम पर दावे और फलस्तीन पर हमलों को लेकर इसराइल से लंबे समय तक दूरी बनाए हुए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और यूएई के दोबारा राजनीतिक संबंध बनाने की घोषणा के बाद कहा था कि 49 वर्षों के बाद इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात अपने राजनयिक संबंध सामान्य करेंगे। अब जब बर्फ टूट गई है तो मैं उम्मीद करता हूं कि अरब देशों और इसराइल के बीच पुरानी शत्रुता समाप्त हो रही है। सऊदी अरब और यूएई जैसे सुन्नी बहुल अरब देशों ने पिछले कई सालों के बाद इसराइल के साथ संपर्क स्थापित किया है। अरब के और मुस्लिम देश भी यूएई का अनुसरण करेंगे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के दौरान 2020 में किए गए समझौतों में बहरीन, सूडान और मोरक्को जैसे खाड़ी देश भी इसराइल के साथ संबंध स्थापित करने के लिए सहमत हो गए थे।